महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। इस दौरान लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस महकमा अनेकों तरीके अपना रहा है। इसी कड़ी में आगरा की पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। यहां पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को मारा पीटा नहीं और न ही कोई सजा दी, बल्कि उन लोगों को पानी की बोतल और जूस की बोतल देकर लोगों से घरों में रहने की अपील की। सीओ सदर जायसवाल ने बताया कि लोगों को जूस और पानी की बोतल देकर समझाया जा रहा है कि वो लॉकडाउन का पालन करें। आपको बता दें कि एक कंपनी से जुड़े स्वयंसेवी लोग पुलिस के लिए पानी और जूस लेकर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने वो जूस और पानी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को देकर एक बार फिर से उन लोगों को समझाने का प्रयास किया। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार पुलिस ये प्रयास कर रही है कि लोग कम से कम घर में से निकलें। इसके लिए हम सख्ती भी कर रहे हैं, गाड़ियां भी सीज कर रहे हैं, FIR भी दर्ज कर रहे हैं जो लोग नहीं मान रहे हैं। आज हमने एक और प्रयोग किया कि कुछ लोगों को पानी की बॉटल्स भी दी गई, जिससे लोग ये फील करें कि वे गलत हैं। अगर अनावश्यक रूप से निकलते हैं तो वो समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, और ये व्यवस्था, ये महामारी से हम बचने के लिए घर में ही रहें। जूस भी दिया गया? हाँ, कुछ लोगों को जूस दिया गया।